नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। झारखंड विधानसभा में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने 2016-17 का बजट पेश कर दिया। पिछले 15 वर्षों की कामयाबी और नाकामियों के बीच योजनाएं चाहे जितनी बनी हो, लेकिन दावों में कोई कोर कसर ना तो पहले थी और ना ही अब है। इस बार का बजट अलग इसलिए है क्योंकि इससे पहले कभी बजट को लेकर इतनी चर्चा नहीं हुई। मुख्यमंत्री खुद जाकर लोगों से बजट के प्रारूप पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन जब बजट सदन के पटल पर रखा गया तो जो बयान सामने आए उनमें कोई ज्यादा का फर्क नजर नहीं आया। सरकार ने अपनी पीठ ठोंक दी है तो विपक्ष ने बजट को जनहित के सवाल पर सिरे से खारिज कर दिया है। ऐसे में झारखंड की आम आवाम इस बजट को कैसे देखती है और एक आम झारखंडी अपने को इस बजट में कहां पाता है, आज बड़ी खबर में इसी की बात करेंगे। तो झारखंड में बजट पेश कर दिया गया। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने साल 2016-17 का वार्षिक बजट पेश कर दिया। मुख्यमंत्री ने कुल 63,502 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। बजट में कृषि, पशुपालन और सहकारिता विभाग के बजट को दोगुना कर दिया गया और विधायक कोष की राशि को 3 करोड़ से बढ़ाकर 4 करोड़ कर दिए गए। इसके अलावा सभी ब्लॉक में नए भवन बनाने की भी योजना बनेगी और पंचायत सचिवालय का निर्माण भी होगा, जहां पर ब्रॉडबैंड कनेक्शन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश में जल्द ही 18,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इसके साथ ही विधायक कोष की राशि को 3 करोड़ से बढ़ाकर 4 करोड़ करने का निर्णय लिया गया है। कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के बजट को चालू वित्तीय वर्ष के प्रावधान से दुगुना करने का अधिक करने का प्रस्ताव है। कृषि कर्म को बढ़ावा देने के लिए निम्न कार्य किए जाने, कृषि सिंगल विंडो की स्थापना, कृषक को पटवन के लिए अनुमानित दर पर डीजल की आपूर्ति, गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, 1,00,000 डोबा का निर्माण, 1,000 लिफ्ट इरिगेशन का स्वयं सेवी सहायता समूह के माध्यम से संचालन, वित्तीय वर्ष 2016-17 में सभी पंचायतों के लिए भी पंचायत सचिवालय भवनों का निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा एवं 2017-18 तक उन सबों में ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी भी उपलब्ध करा दी जाएगी। विधायक योजना के तहत उपलब्ध कराए जाने वाली निधि की राशि को 3 करोड़ से बढ़ाकर अब 4 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है। रुटी हुई राशि का उपयोग कृषि के लिए सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने में होगा। विगत एक वर्ष में राज्य के प्राथमिक माध्यमिक विद्यालयों के लिए अब तक 15,000 एवं 1,717 शिक्षकों की नियुक्ति कर शैक्षणिक कार्य के उपलब्ध मानव संसाधन में वृद्धि की गई है। अध्यक्ष महोदय, माध्यमिक विद्यालयों के लिए आने वाले 6 माह में 18,000 शिक्षकों की नियुक्ति करने की योजना है। तो मुख्यमंत्री ने बजट को पेश कर दिया है और कई तरह की घोषणाएं की गई है। जो सबसे बड़ी घोषणा है वो ये है कि कृषि, सहकारिता और पशुपालन का जो बजट था उसको करीब करीब दोगुना कर दिया। यानी कि मुख्यमंत्री जिस तरीके से पहले से ही इस तरह के संकेत दे रहे थे कि कृषि पर आधारित होगा उनका 2016-17 का बजट, तमाम लोगों के पास जा रहे थे, लोगों के बीच में जाकर वो बातचीत भी कर रहे थे और कहीं ना कहीं उसका भी असर देखने को मिला। और मुख्यमंत्री ने जो कृषि, पशुपालन और सहकारिता का बजट है उसको दोगुना कर दिया। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बड़ी खबर में जुड़े हुए हैं जीतू चारण, रांची से आप जुड़े हुए हैं, आप विधायक हैं बीजेपी के। हमारे साथ आलमगीर आलम जुड़े हुए हैं, आप कांग्रेस के नेता हैं और विधायक दल के नेता हैं विधानसभा में कांग्रेस के। इन दोनों से हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये देखते हैं बजट को और बजट को लेकर जो बातें कही गई थी उसमें इनका नजरिया क्या है, इनके दलों का नजरिया क्या है। तो जीतू चरण अब जवाब देंगे बजट को लेकर, लेकिन उससे पहले हम सबसे पहले रुख करेंगे आलमगीर आलम का। आलमगीर आलम जी, कांग्रेस इस बजट को किस तरीके से देख रही है? देखिए, ये बजट जो है हर साल सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष के शुरू में शुरू किया जाता है और इस बार भी झारखंड सरकार के द्वारा एक लंबा चौड़ा बजट पेश किया गया है। झारखंड विगत दिनों उसके बजट से इस बार का बजट का जो आंकड़ा है बहुत ज्यादा है, 63,502 करोड़ रुपया। सिर्फ बजट पेश करने से ही ये क्षेत्र के विकास या खुशहाली नहीं हो पाता है। जब भी जो भी बजट लाते हैं, बीते साल भी 15-16 का जो भी बजट लाया था वो भी उस समय सबसे अधिक बजट था जी, लेकिन धरातल पर हम लोग को देखने कुछ नहीं मिला है। और मुझे लगता है कि ये जो बजट आया है आम जनता के हित के लिए बजट नहीं है
और बजट निराशाजनक बजट है। घोषणा बिल्कुल है लेकिन जब तक धरातल पर सुनिश्चित नहीं होता तब तक विकास नहीं कहा जा सकता। आलमगीर आलम साहब ठीक है, नहीं ठीक है, एक सवाल आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आप योजनाओं को लागू होने में आपको परेशानी हो रही है कि लागू नहीं होती योजनाएं, या फिर आप ये कहना चाह रहे हैं कि नीति तो ठीक है लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा? देखिए नीति, देखिए जब भी बजट कोई भी सरकार पेश करती है तो सारी चीज देख दुख कर पेश करते हैं, और इस बार भी लंबा चौड़ा बजट पेश किया गया है। कृषि में डबल पैसा दिया गया है, पशुपालन सहकारिता में भी डबल पैसा दिया गया है, लेकिन विगत दिन के इतिहास को देखने के बाद मुझे लगता है कि ऐसे लोग जो हैं उन लोग के लिए कुछ नहीं सोचा गया। इरीगेशन का बढ़ावा देना होगा, रास्ता घाट कोई बनाना पड़ेगा, लेकिन आज भी जो छत वगैरह आदमी सो रहे हैं, मकान नहीं है, उनके बारे में सोचना होगा। आज ऐसा है वृद्धा जो बैठी हुई है सोच रहे कि सरकार की ओर से हमें अनुदान मिलेगा, उस तरह की कोई ऐसा योजना लिया गया है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं आप मुद्दों के आधार पर भी विरोध कर रहे हैं, और आपका ये सबसे अहम बात यह है आपका कहना कि जो योजनाएं बनाई जाती हैं आम लोगों के लिए, आम झारखंड के लोगों के लिए, उसको सही तरीके से लागू नहीं किया जाता। हमारे साथ जीतू चरण विधायक बीजेपी से हैं, वो जुड़े हुए हैं। जीतू जी, आपने सुन लिया कि आलमगीर आलम साहब ने क्या कहा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जनहित की अगर बात करें तो बजट में कुछ भी नया नहीं है। तो ऐसे में अगर आपसे पूछा जाए कि बजट को किस तरीके से अलग देखते हैं और झारखंड के विकास के लिए कितना बेहतर बजट है, तो आपके पास क्या है कहने के लिए? देखिए, झारखंड के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बजट है जी, और झारखंड के स्वर्णिम विकास के लिए बजट है। ये ऐसी बजट है जो अब तक की समझ सकते हैं कि 63,502 करोड़ रुपये के उपबंध हुई है, और इस बजट के माध्यम से पूरे झारखंड के समाज के सबसे नीचे वर्ग के लोगों को, जिसने माननीय मुख्यमंत्री ने योजना जोड़ो अभियान के तहत गांव के सबसे नीचे तबके के प्रतिनिधियों को भी साथ लेकर के चलने की बात कही है, इसमें जनता अपने आप को कहीं उपेक्षित महसूस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जनता के द्वारा हमने डायरेक्ट उनसे इंटरेक्शन किया और उसके द्वारा योजना में जोड़ने का काम किया, उसके आधार पर बजट बनाई गई है। इसलिए यह बजट बिल्कुल अंत्योदय, समाज के उन निचले तबके के लोगों को भी ऊंचा और विकास में जोड़ने का काम किया गया है। और ये जहाँ कृषि की बात है तो कृषि सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि कृषि ही आपकी प्रोडक्ट, जितने भी आज डिमांड है उस का प्रोडक्ट करके उस डिमांड को पूर्ति करेंगे। और आप देखेंगे कि किसान को जब तक हम सामर्थ्यवान नहीं बनाएंगे तो आने वाला दिन में ये राज्य का विकास नहीं हो पाएगा, इसीलिए कृषि पर विशेष ध्यान दिया गया, कृषि सहकारिता पशुपालन पर। तो आप ये भी कहना चाहते हैं जीतू जी कि कहीं ना कहीं जो अब तक झारखंड में बजट पेश किया गया था तो उसमें कहीं ना कहीं कृषि की अनदेखी की गई थी, और आपने इस बार कृषि पर ध्यान दिया है खासकर झारखंड जैसे गरीब राज्य को देखते हुए? नहीं, ये बात सही है कि जो आज हम लोग सुखाड़ और बहुत सारे चीज़ों को आज झेल रहे हैं जी। तो अगर हम लोग कृषि बजट को अगर उसमें नहीं बढ़ोतरी करके, क्योंकि कृषि में जब तक बढ़ोतरी नहीं करेंगे जब तक उसमें हम बेहतर सहयोग नहीं करेंगे, आज जितने सुखाड़ से उसको परेशानी हुई है उसलिए हम लोग अल्टरनेटिव व्यवस्था करके चल रहे हैं। मेन है कि हमारा वाटर रिजर्वायर की तरफ हम लोग ज़्यादा ध्यान दिए हैं ताकि आने वाला दिन में अगर किसी भी तरह की सुखाड़ इस तरह की आने की संभावना होगी तो उसमें हम लोग उसको उस कमी को पूरा कर सकते हैं, इसलिए विशेषकर कृषि की ओर ध्यान दिया गया है। साथ ही साथ किसान का, आप जानते हैं, किसान का खेत में पानी, घर का पानी घर में, इस तरह की चीजें योजना करके वाटर रिसोर्सेज को हम लोग मेंटेन कर रहे हैं, वाटर टेबल मेंटेन हो ताकि आने वाला दिन में किसी प्रकार की अगर दिक्कत होती है तो उसको भी हम मिट कर सकते हैं। बिल्कुल आलमगीर जी, आप सुन रहे हैं कि जीतू चरण क्या कुछ कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि बजट खास है, बजट किसानों पर फोकस्ड है और बजट में तमाम चीजें हैं जो नई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जैसे स्मार्ट थाने की बात की गई, छात्राओं के लिए बालिका आवासीय विद्यालय की बात की गई, किसानों की बात की गई, सिंचाई की बात की गई, तो इन घोषणाओं को आपको नहीं लगता कि घोषणाएं ज्यादा हो गई बजाय इसके कि जो पहले से जो काम हो रहे थे उसको सही तरीके से लागू करने के? निश्चित तौर पर घोषणाएं ज्यादा हो गई। यहाँ पर जो बेकार जो युवक जो घूम रहे हैं उसके रोजगार के लिए कोई बात नहीं लिखा गया है, जो बेरोजगार है उसके नियोजन का कोई नीति नहीं बनाया गया है। मैंने पहले भी कहा है कि बजट लंबा चौड़ा है, अगर आप देखें 2015-16 का बजट तो मूल बजट था 18,000 करोड़,
और बाद में जो तीन सप्लीमेंट्री बजट हुआ फर्स्ट सेकंड थर्ड सप्लीमेंट्री बजट दोनों अगर तीनों को जोड़ लिया जाएगा तो देखिएगा कि वही आपका फिर आपका 36,000 करोड़ आ जाएगा लगभग बराबर है। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने 2016-17 का बजट पेश कर दिया है। इस बजट में कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया गया है। मैं आपको बता दें कि कृषि पशुपालन और सहकारिता विभाग का बजट दोगुना कर दिया गया है। 100 प्रखंडों में कृषि सिंगल विंडो सिस्टम की स्थापना करने का भी प्रस्ताव इस बजट में है। इसके साथ ही पंचायत सचिवालय को ब्रॉडबैंड से जोड़ने की भी बात मुख्यमंत्री रघुवर दास ने अपने बजट में कही है। यानी कि बजट में कई तरह की घोषणाएं हुई है। बजट में कहा गया है कि 1 अप्रैल से नई औद्योगिक नीति बनाई जाएगी। यानी कि जो उद्योगों पर भी धुंध पड़ी हुई थी उसको भी हटाया जाएगा। रोजगार के लिए पलायन रोकने पर जोर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अपने स्पीच में इस बात का भी जिक्र किया है कि जो रोजगार के लिए पलायन होता है उसको रोकेंगे। 57 झारखंड आवासीय विद्यालय की स्थापना होगी और कस्तूरबा गांधी विद्यालय की तर्ज पर ये विद्यालय बनाए जाएंगे। इसके साथ ही कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास का निर्माण कराने की भी बात मुख्यमंत्री ने कही है और बजट में इस बात का जिक्र है। कृषि पशुपालन और सहकारिता विभाग का बजट दोगुना कर दिया गया है। यानी कि जिस तरीके से कहा जा रहा था कि कृषि फोकस्ड ये बजट होगा उसको निभाते हुए दिख रहे हैं एक तरह से मुख्यमंत्री रघुवर दास। विधायक कोष की राशि को 3 करोड़ से बढ़ाकर 4 करोड़ कर दिया गया है और योजना बनाओ अभियान के तहत ग्रामीण विकास की बात कही गई है। तो ये खास बातें थी बजट में जिसका जिक्र किया मुख्यमंत्री ने अपने स्पीच में और उसके लिए भी अलग से आवंटन किया गया है और कोशिश ये हुई है कि समग्र विकास ग्रामीण विकास हो योजना बनाओ अभियान के जरिए। 2016-17 का बजट कई मामलों में खास रहा। योजना बनाओ अभियान के तहत मुख्यमंत्री अलग अलग जगहों पर कैंप कर रहे थे। इसके साथ ही बजट को लेकर लोगों से उन्होंने चर्चा भी की थी। सरकार ने बजट को बेहतरीन बताया तो विपक्षी दलों ने बजट को लेकर रघुवर सरकार को निशाने पर लिया। जेएमएम जेवीएम और कांग्रेस ने बजट को निराशाजनक और जनविरोधी कहा। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि सरकार निश्चित रूप से जो सबसे दुखद स्थिति है सामाजिक सुरक्षा की मैं बात करना चाहूंगा। जो समाज में अंतिम पायदान पे हैं उनके लिए विशेषकर वृद्धावस्था लोगों के जो वृद्धावस्था ओल्ड एज पेंशन के बारे में उसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया क्योंकि बीपीएल की जो बाध्यता है वो उसमें दूर नहीं की। उनके लिए कोई स्पेशल प्रावधान नहीं किए गए हैं। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि जो रूरल सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर की बात की है वो दोनों पर उतने फोकस नहीं जितने इन्होंने उसके बारे में बातें यहाँ पे की है। करना तो ये रोजगार उन्मुख है ना तो कृषि पर इन्होंने जोर दिया है ना तो गांवों पर जोर दिया है। और पिछले बार भी महंगाई को रोकने में मुद्रास्फीति का जो दर था जो अधिक हुआ इस बार भी महंगाई को रोकने में यह फेल होगा। यानी झारखंड का जो तमाशा है वो तमाशा झारखंड के दुर्भाग्य में लगा रहे। कृषि के क्षेत्र में कोई विशेष नया नहीं अलग से क्या बजट शुरू से ये कह रहे थे अलग से कृषि बजट आएगा ये आएगा वो आएगा कहाँ है कृषि बजट। उद्योग नीति बनाइए निश्चित रूप से बनना चाहिए उद्योग लगने चाहिए रोजगार सृजन होना चाहिए। साथ साथ में ऐसी भी नीति बननी चाहिए कि राज्य के शिक्षित नौजवानों को अधिक से अधिक रोजगार मिल सके। हमने कहा कि प्राइवेट कंपनीज जो आएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट अंडरटेकिंग जो कंपनीज आएंगे उन सब जगहों पर भी राज्य का आरक्षण नीति लागू होना चाहिए। सुखदेव भगत प्रदीप यादव और हेमंत सोरेन सब ने मिलकर बजट की आलोचना की। ये विपक्ष में हैं झारखंड में तो इन्होंने बजट को जनहित के मसले पर सिरे से नकार दिया। लेकिन बीजेपी का कहना है कि बजट बेहतरीन है। मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि झारखंड के विकास के लिए एक जरूरी बजट है। हमारे साथ मौजूद हैं बड़ी खबर में बात करने के लिए जीतू चरण बीजेपी के विधायक हैं और आलमगीर आलम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और विधायक दल के भी नेता हैं झारखंड विधानसभा में। तो आलमगीर आलम साहब हम आपका ही रुख करेंगे और जानना ये चाहेंगे कि कई मांगे तो आप लोगों की भी मानी गई है बजट में जैसे कि विधायक फंड में बढ़ोतरी हुई 3 करोड़ से बढ़ाकर 4 करोड़ कर दिया गया। शिक्षकों की बहाली की बात की गई आप लोग लगातार कह रहे थे कि शिक्षक कम हैं या फिर जो दूसरे बात किए गए हैं तो अब किस तरीके से इनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा और जो हुआ है उसको लेकर अब यहाँ से आगे किस तरीके से जाएंगे आप लोग। देखिए बढ़ोतरी जो बजट में बढ़ोतरी हुआ है इस बार तो हम लोग बोलते हैं कि सबसे ज्यादा इस बार का बजट आया है 63,000 करोड़ 502 तो ये सारी चीज आने से भी विकास नहीं होता है। हम लोग ने तो पहले भी बताए थे कि जन जन की जब विकास होगा तभी बजट हम लोग सही मानेंगे। जन जन का विकास का अर्थात ये नहीं है कि कहीं हॉस्पिटल खुलवा दिए तो जन जन का विकास हो जाएगा। लेकिन आज के दिनों में ये हमने उठाए थे बात सरकार भी जवाब दिए थे कि बैकलॉग में बहुत लोगों के इंदिरावास
पड़ा हुआ है जो 2010-11 से लेकर, वो लोग बगैर छत के नीचे रह रहे हैं जी। उनके लिए भी एक प्राथमिकता तहत एक योजना होनी चाहिए था, ओल्ड एज पेंशन के लिए एक योजना होना चाहिए था, यहाँ पर बेकार जो युवक है नियोजन के लिए एक योजना होनी चाहिए। यानी कि इस बजट को जिस रूप में आप लोग देख रहे थे वो नहीं हो पाया और कहीं ना कहीं उसकी कमी रह गई। आलमगीर आलम साहब, समय की कमी है इसलिए हम जीतू चरण से जल्दी में जवाब चाहेंगे कि विपक्ष की भी बात उन्होंने सुनी है और कहीं ना कहीं जो योजनाएं बनाई गई हैं उसको लागू कराने की भी तो अब जिम्मेदारी सरकार की ही बनती है और सरकार से जुड़े लोगों की। देखिए राजेश जी, जी जो विपक्ष ने अपनी बात रखी है जी, और विपक्ष ने अपने विपक्ष का नेता होने का अपना नैतिक धर्म का पालन किया है जी, और यहाँ सरकार ने जो बजट लाई है जनता के लिए, जनता का बजट है, जनता के लिए बजट है और जनता द्वारा बनाई गई बजट है बिल्कुल, और सरकार इसको पूरी इच्छा शक्ति के साथ इस बजट को लाई है, विजन के साथ लाई है जी, जी। यह मान करके लाई है कि जो झारखंड में विकास की आवश्यकताएं हैं, जो 6 बिंदुओं पर हमको विकास करना है, चाहे सड़क हो, पानी हो, बिजली हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो बिल्कुल, और लोगों की सुरक्षा की व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, उस पर इन फोकस किया गया है, सभी चीजों पर समुचित विकास के लिए और इन जो नीतियों को बनाया गया है फोकस किया और इसके लिए जो पैसे की मंजूरी दी गई है, कहीं ना कहीं अब इसको यहां से आगे बढ़कर ये देखना होगा कि ये योजनाएं जमीन पर कितनी उतर पाती हैं। जीतू चरण, बीजेपी के विधायक, आप हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका बहुत शुक्रिया। आलमगीर आलम, आप विधायक दल के नेता हैं कांग्रेस के, आपका बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। लेकिन सवाल वही है कि एक आम झारखंडी और झारखंड की आम आवाम, उसे क्या हासिल होता है इस बजट से? सबसे बड़ी खबर यही है। नमस्कार।